हमारे हाथों के जो ऊपर के फैलेंजेज हैं, ये आपको पता है कि जैसे ये अंगूठा है तो इस अंगूठे में ये आपको दिख रहा है कि ऊपर का भाग ब्रेन का होता है, यहाँ पर आंखें होती हैं साइड में, बीच में नोज होती है उठाओ भाग, और ये मुंह का स्थान और ये गला होता है। तो आपको ब्रेन का इलाज करना हो, आंखों का इलाज करना हो, आंखों की रोशनी को सही रखना हो, तो उसके लिए आंखें लीवर से कनेक्टेड होती हैं। यदि लीवर बीमार होता है तो उसकी छवि आंखों में आपको दिखाई देती है, इंडिकेशन दिखाई देता है, आंखों का रंग पीला हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि लीवर में इन्फेक्शन हुआ है। तो आंखें जरूरी है देखने के लिए कि लीवर की पोजिशन क्या हो रही है। तो आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए आप इस सभी उंगलियों में ये एक पॉकेट एक्सरसाइजर होता है, मसाजर होता है पॉकेट, इसमें इस तरीके से यहाँ ये पॉइंट बने होते हैं दोनों तरफ, तो हमारे इस उंगलियों के सभी आगे के पोर पर, इन सब पर ये ब्रेन का पार्ट होता है, आंखें भी यहीं पर होती हैं। तो जब आप इसको इस प्रकार से ये दबाएंगे तो इससे हमारे ब्रेन के पार्ट का, आंखों का, नोज का, आंखों का पूरा इलाज इन पोरों से हो जाता है। और ऐसा करने से जो हमारे लंग्स का एरिया है उस पर भी आपको अच्छा दबाव मिलता है, और इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे तो आप लीवर के जो कोरेस्पोंडेंस है ये लीवर का, यहाँ पर भी दबाव मिलेगा। ऐसे रखें, लीवर के स्थान पर ऐसे रखिए और इसको उंगली से रखिए, तो इस तरीके से लीवर और आंखों का इलाज एक साथ आप इसको स्टिमुलेट करके कर सकते हैं। तो हमारी उंगलियों के सभी पोर पर ये प्रेशर मिलेगा, तो इससे आंखें भी सही रहेंगी, ब्रेन भी सही रहेगा, और नोज की और माउथ की प्रॉब्लम भी सही रहेगी, साइनस की प्रॉब्लम भी ठीक रहेगी। तो इस प्रकार से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यदि लंग्स का कोरेस्पोंडेंस यहाँ पर है तो आप इसको लंग्स के भाग पर रखें और उंगली से इस प्रकार से प्रेशर देंगे तो ये लंग्स के कोरेस्पोंडेंस पर उपचार मिलेगा। तो इसमें आप ये कर सकते हैं, तो इससे हमारी साइनस, नोज, आइज के रोगों में लाभ मिलेगा। ये दोनों हाथों में करें आप। तो हमारी उंगलियों का जो प्रथम पोर है ये चेहरे का, फेस का, और इसके ऑर्गन का और ब्रेन का कोरेस्पोंडेंस होता है। उसके बाद ये एक करेला होता है प्लास्टिक का, और हमारे ये जो हाथ है यहाँ पर, इस पर पूरे धड़ का स्थान होता है, और इसमें धड़ में हमारे जो ये धड़ है पूरा, यहाँ से लेके पूरा इसका ये जो कोरेस्पोंडेंस है यहाँ पर है, तो इसमें यहाँ पर ये लंग्स हैं, यहाँ पर हार्ट है सेंटर में, और ये लंग्स हैं, हार्ट है, उसके बाद यहाँ इधर की तरफ स्प्लीन, स्टमक, पेनक्रियाज का भाग हो जाता है, और इधर लीवर आ जाता है, और यहाँ पर जो खड्डा है यहाँ पर, ये बीच में ये नाभि का स्थान होता है यहाँ पर, और उसके चारों तरफ ये छोटी आंत और बड़ी आंत का स्थान होता है, और यहाँ पर दो उंगलियों के बीच में ये यूरिनरी ब्लेडर और महिलाओं और जेंट्स के जेनिटल ऑर्गन होते हैं, और इनका उपचार आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये भाग जो है जेनिटल ऑर्गन का होता है, तो आप यहाँ से उपचार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने धड़ के सभी अंगों को सही रखना चाहते हैं तो उनको स्टिमुलेट करें इस करेले से, और इसको ऐसे रखें, और ये आप लंग्स के भाग पर, हार्ट के भाग पर, और आंतों के भाग पर, और लीवर के भाग पर, गॉल ब्लैडर के भाग पर आप इनको कोरेस्पोंडेंस पर कर सकते हैं, और यहाँ पर भी इसका लंग्स का कोरेस्पोंडेंस होता है जो डॉक्टर वोरा जी ने बताया था, और ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अनुसार ये लंग्स के कोरेस्पोंडेंस हैं। तो इसके भी आप पूरा मसाज कर सकते हैं, गले में कोई प्रॉब्लम है तो गले के स्थान पर आप ये कर सकते हैं, तो इससे थायराइड की प्रॉब्लम में भी लाभ मिलेगा, और इसे आप 1 से 3 मिनट चलाएं, और दिन में 3 बार चला सकते हैं इस तरीके से, तो इससे आपके आगे का पूरा भाग सही रहेगा। अब लेते हैं हम, ये एक मिनी हैंड रोलर होता है, इस हैंड रोलर से आप दर्द के स्थान पर इसे स्टिमुलेट कर सकते हैं। जैसे किसी के कलाई में दर्द है, या फिर उसके यहाँ पर दर्द है कोहनी, यहाँ पर ये हाथ में कलाई और कोहनी के बीच में दर्द है, उसके बाद यहाँ पर ये आर्म में ऊपर वाली में दर्द है, पिंडलियों में दर्द है, तो उसके लिए इस मसाजर से आप इस तरीके से ये चला सकते हैं, और वहाँ पर स्टिमुलेशन होने से जो होने से दर्द में आराम मिलता है, और जो स्टैग्नेशन हो जाती है दर्द में, तो स्टैग्नेशन होने से दर्द बढ़ता है हमेशा, एनर्जी की रुकावट हो जाती है, तो उसमें आप ये स्टिमुलेट करके रोगों का उपचार कर सकते हैं। तो ये आप
मांसल भाग पे चलाएं, हड्डियों पर इसको नहीं चलाना चाहिए, हड्डी वाले भाग पर। तो ये मांस वाले भाग पर यानी कि हाथों में भी चला सकते हैं और ये पूरे बाह पर चला सकते हैं इस प्रकार से ये। तो इससे आपको सर्वाइकल के दर्द में और ये गर्दन पर, ये कंधे पर आप इसको चला सकते हैं डायरेक्ट, और आप ये कपड़े निकाल के बनियान बनियान के ऊपर भी चला सकते हैं या बनियान हटाकर भी चला सकते हैं अपने। तो इस तरीके से अगर आप मसाज करेंगे गर्दन पर और स्पाइन के साइडों में और ये पैरों पर कर सकते हैं मसाज, पिंडलियों पर कर सकते हैं इसके द्वारा, तो ये लाभ मिलता है। तो आप इसके द्वारा ये उंगलियों के बीच में भी कर सकते हैं, ऐसे दोनों तरफ कर सकते हैं, क्योंकि उंगलियों में दोनों तरफ मेरिडियन होती हैं डॉक्टर बोल के अनुसार, और इनमें सब में आपको लाभ प्राप्त होता है। तो ये इधर मेरिडियन होती हैं किनारों पर डॉक्टर बोल की, तो इन सब का आप उपचार कर सकते हैं। तो इस मसाजर के द्वारा आप मांसल भाग पर उपचार करके स्टिमुलेट करके दर्द को हटा सकते हैं, तो दर्द में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और इसका दर्द में बहुत अच्छा प्रभाव रहता है और ये उनको ठीक करने में, सर्कुलेशन को ठीक करने में सहयोग करता है। तो आप इसको पिंडलियों पर भी इस प्रकार से चला सकते हैं, वहाँ जैसे वहाँ पर चलाते हैं हम यहाँ, तो ये अपनी जो आर्म है इसके दर्द को भी ठीक कर सकता है। ये पिरामिड पैड होता है जिसकी वीडियो को आपको हमारी वीडियो बनी हुई है यूट्यूब चैनल पर, तो आप पिरामिड की पिरामिड टाइप करके भी वीडियो देख सकते हैं हमारी ये चैनल पर। और इस पर कदम ताल करते हैं, तो कदम ताल करना यहाँ पर पीछे बताया गया है, और हमारे पैरों में पूरे शरीर के ऑर्गन होते हैं, तो इस प्रकार से आप ये कदम ताल कर सकते हैं और उपचार कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर मैग्नेट लगी होती हैं, ये भी मैग्नेट लगी हुई हैं, जब इस पर आप पैर रखेंगे, इस पर कदम ताल करेंगे, तो हमारे शरीर में एनर्जी का सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। अगर आप 5 से 10 मिनट कदम ताल कर लेते हैं तो आपको लगभग सभी रोगों में सफलता मिलेगी, और हमारे जो पैर होते हैं उनमें यहाँ पर लंग्स के कॉरेस्पोंडेंस होते हैं ये, तो इसमें लाभ मिलेगा, तो सांस की प्रॉब्लम में भी आपको सफलता प्राप्त होगी ठीक होने के लिए। तो इस तरीके से ये सभी उंगलियों में ब्रेन के पार्ट भी होते हैं, और यहाँ साइटिका नर्व वगैरह होती हैं, ये स्पाइन का और स्टमक के कॉरेस्पोंडेंस होते हैं यहाँ पर, तो इस प्रकार से ये आते होती हैं, तो इससे सभी पर दबाव पड़ेगा उठे हुए भाग से, तो आप इससे स्वस्थ रह सकते हैं। दूसरा, यदि किसी की आंखों में जलन हो जाती हो, तो आंखों में जलन के लिए आप क्या करेंगे कि इस प्रकार से एक ये आता है आई बेल्ट आती है एक आंखों के लिए आई बेल्ट, तो इस बेल्ट में एक इस तरीके से ये निकलता है और इसमें जेल भरी होती है एलिवरा जेल, और इस जेल में बीच में ये मैग्नेट लगे हुए हैं दो इसमें, तो इसको आप फ्रीजर में रख दें रात को या जब भी रख रहने दें, और जब आपको आंखों पर लगाना हो या आप ऑफिस से आए हो कहीं से या थकान हो रही हो, तो आप इसको अपनी आंखों पर फ्रीजर में से निकाल कर, ठंडा होता है ये, तो इसको अपनी आंखों पर इस प्रकार से लगा लें, और इसकी जो ये पट्टी है इसको ऐसे पीछे बांध देंगे, तो ये इस तरीके से आपको लग जाएगा डायरेक्ट आंखों पर, तो आप इसको डायरेक्ट आंखों पर भी लगा सकते हैं इस प्रकार से, और लेट सकते हैं थोड़ी देर, तो आपको आंखों में ठंडक महसूस होगी, तो इसको 10-15 मिनट आप लगा सकते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे आंखें खोलेंगे आराम से, तो आपको आंखों में ठंडक मिलेगी, और सिर के दर्द में जो हो रहा था भारीपन आ रहा था और थकान सारी उतर जाएगी आपकी, तो ये आंखों की स्ट्रेन थकान पूरे दिन की थकान को दूर करने में सहायक होता है। लेकिन इसको साफ करके फिर दोबारा फ्रीजर में या उसकी ट्रे में रख देना चाहिए। तो इस तरीके से आप ये आईज की प्रॉब्लम में भी, आंखों का लाल होना, आंखों में जलन होना या आंखों की कंजक्टिवाइटिस में आप इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज आपको बताया, और दूसरा रोजाना प्रतिदिन आप ताली बजाकर भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं अपने आगे पीछे इस तरीके से। तो हमारे ये स्पाइन का भाग होता है पीछे, तो आप ये चैनल होते हैं सभी एनर्जी चैनल होते हैं, आप इनमें इस तरीके से ये मसाज कर सकते हैं उंगली के सहारे से, तो इससे आपकी कमर में और उसके साइडों में होने वाले दर्द में आराम मिलेगा और एनर्जी का सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। सभी उंगलियों के जो ये पोर हैं आप इसको इस तरीके से मिला लें,
और सांस भरें और उसके बाद इनको इस तरीके से फाइटिंग पोजीशन में लाएं, जैसे कि हम दोनों तरफ से बल लगा रहे हैं तो हमारी उंगलियों में या तो मेरिडियन शुरू होती हैं समाप्त होती हैं, तो ये ब्रेन का पार्ट भी है, तो इससे सभी मेरिडियन में संचार अच्छा हो जाएगा और हमारे हाथों में भी मजबूती आने लगेगी। इस तरीके से आप ये करेंगे और छोड़ देंगे, फिर दोबारा सांस भरेंगे और उसके बाद फिर ये करेंगे, तो इससे सर्वाइकल में भी लाभ मिलेगा और दर्द में भी लाभ मिलेगा और सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। तो आज आपको ये बताया, इन बातों को आप प्रतिदिन करेंगे तो हम रोगों से बच सकते हैं। दूसरा, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ये दोनों लंग्स के कॉरेस्पोंडेंस हैं और ये कि ये लंग्स का कॉरेस्पोंडेंस है डॉक्टर वोरा के अनुसार, ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अनुसार, या फिर इधर भी कर सकते हैं। तो आप इन पर उपचार इस तरीके से, जैसे लंग्स को मजबूत करना है, स्टिमुलेट करना है, तो आप उंगलियां फंसा लीजिए और इस तरीके से 1-2 मिनट आप करेंगे, तेजी से रगड़ेंगे तो ये हथेली गर्म हो जाएगी और आपको सांस लेने में जो लंग्स में परेशानी आ जाती है, बुखार में, खांसी में, जुखाम में, तो उसमें बड़ा अच्छा लाभ इन पर मिलता है। तो इस प्रकार से आप ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दमा अस्थमा में आप इन लंग्स के स्थान पर, यहाँ पर आप शहद भी लगा सकते हैं और उसमें शहद में पीली सरसों के दाने कूट कर और शहद मिलाकर यहाँ पर आप लगाएंगे तो ये दमा और अस्थमा में भी आपको होने वाली सांस की प्रॉब्लम में भी लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से आप ये प्रेशर दे सकते हैं और हथेली पर इस प्रकार से ये काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने हाथों पर ताली बजाएं प्रतिदिन, तो आप बीमारियों से बच सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, बताया था हमने पिछली वीडियो में, कलाई पर इस प्रकार से 1-2 मिनट आप प्रेशर देंगे तो आपके सभी रोगों का इलाज हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर सभी मेरिडियन, लंग्स की, किडनी की, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, सभी की मेरिडियन, हार्ट की भी यहीं से जाती हैं, तो उन सबको लाभ आपको प्राप्त होगा और आप बीमारियों से बचे रहेंगे और आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। क्योंकि आज के इस वातावरण में हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पर ही ज़्यादा ध्यान देना है। और पिछली वीडियो में जैसा आपको बताया गया था कि आप सुबह जल्दी उठें, 3-5 में लंग्स की एनर्जी और 5-7 में हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की एनर्जी तेज होती है, तो इसमें यदि आप 3-5 में उठेंगे, श्वसन क्रिया करेंगे, तो आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। 5-7 में आप सफाई का काम करेंगे, आते यहाँ पर बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन की एनर्जी तेज होती है जो आपको कॉन्स्टिपेशन होने में रोकती है, और कॉन्स्टिपेशन नहीं हो पाता तो आप 7 बजे से पहले पहले ये कार्य जरूर करें, सफाई का, शौचालय जाने का। और कुछ लोग देर तक सोते रहते हैं तो उनकी बीमारी होती है, आंखों की प्रॉब्लम हो जाती है और उनके अंदर गैस बनती है। दूसरा, गैस ज़्यादा बनने से आंखों की रोशनी पर फर्क पड़ता है, बालों पर फर्क पड़ने लगता है। तो ये जो हमारा अंगूठा है, ये आगे का भाग होता है चेहरे के और ये पीछे का होता है, तो आइस पर जो साइड में ये कॉरेस्पोंडेंस होते हैं, इन पर आप काली मिर्च लगाकर भी उपचार कर सकते हैं आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, और इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। ये पीछे का भाग होता है यानी कि बाल वगैरह, तो इन पर भी आप अगर यदि मसाज करेंगे, रिंग चलाएंगे, तो आप अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये फुट रोलर होता है और इस रोलर का प्रयोग आप प्रतिदिन करें। जिनके वेरिकोज वेंस हो जाती हैं, पैरों की नसें फूल जाती हैं, नीली नीली हो जाती हैं, उनके पैरों में दर्द होता है, पिंडियों में दर्द होता है, स्टैग्नेशन हो जाती है, चलने में परेशानी आती है, तो उनको पैरों का ये फुट रोलर है और इस पर आप दोनों पैर के तलवे रखेंगे, क्योंकि हमारे पैर के तलवों में भी हथेली की तरह सभी ऑर्गन होते हैं पूरे शरीर के, स्टमक, स्प्लीन, पेनक्रियाज, लीवर और लंग्स, तो इन सब की मजबूती के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप इस तरीके से ये मसाज करेंगे, पैरों पर रोलर को चलाएंगे आगे पीछे, किसी ऊपर कुर्सी पर बैठकर आप इस तरीके से ये रोलर पर अपने पैरों की सहायता से आगे पीछे करेंगे, तो इससे पूरी बॉडी का इलाज हो जाएगा और पैरों का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। इसका प्रयोग आप स्लिप डिस्क में भी कर सकते हैं, कमर के दर्द में कर सकते हैं, तो इससे लाभ प्राप्त होता है। तो ये रोलर आप प्रतिदिन करें। जो चल नहीं सकते, बैठे रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है, खड़े नहीं हो सकते, तो वे इस प्रकार से रोलर पर आप ये मसाज करेंगे प्रतिदिन, तो उनको लाभ प्राप्त होगा और वेरिकोज वेंस में भी उनको लाभ मिलेगा।
ये प्राइमेट पैड में दिखाया जा रहा है कि पैरों में पूरा शरीर के ऑर्गन होते हैं, लंग्स होते हैं, लीवर होते हैं, स्टमक होता है, बड़ी आंत होती है, साइटिका के स्थान होते हैं, और इसमें सभी शरीर होने से, पूरा शरीर होने से किडनी और लंग्स, हार्ट, आईज, ईयर, कान वगैरह और ब्रेन के पार्ट उंगलियों के अंगूठों के भाग में होने से ये पूरा लाभ मिलता है। स्पाइन में भी लाभ मिलता है इससे। तो आप इस पर ये पिरामिड मैट होती है, तो यदि आप इस पर एक पैर ऐसे रखें और एक पैर ऐसे रखें तो आप इस पर खड़े होकर कदम ताल कर सकते हैं, जिसकी जिसको आपको वीडियो में बताया गया था। तो ठीक उसी प्रकार से आप इस पर कदम ताल कर सकते हैं इस तरीके से, और ये कदम ताल अगर आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो आपको 90 डिग्री पर पैरों को, घुटनों को मोड़ना चाहिए और कदम ताल लगातार आप कर सकते हैं इस प्रकार से। ये बॉल होती है, आप अपने हाथों में जो एक गहरा वाला भाग है यहाँ पर, इसको लड्डू की तरह ऐसे करके आप चला सकते हैं। तो इससे उंगलियों के होने वाली जकड़न, उंगलियों में जो मुट्ठी बंद नहीं होती या जिनको लकवे की शिकायत है तो उनको इस तरीके से इसमें बने हुए पॉइंटों के द्वारा प्रेशर पड़ेगा और उनको लाभ मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर लीवर का एरिया, आंतों का एरिया और लंग्स का एरिया, स्प्लीन, पैनक्रियाज पर, और ये थायराइड के एरिया में भी, ये ब्रेन के पार्ट में भी इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसको लड्डू की तरह आप इस तरीके से 1, 2, 4 मिनट, आप 5 मिनट तक इसको अपनी सामर्थ्य अनुसार इस तरीके से करेंगे रोज़ाना, तो दिन में 2-3 बार कर लें, तो इससे हमारे पेट का पाचन शक्ति अच्छी होने लगती है और हमारा लंग्स वगैरह और इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है और थायराइड में भी लाभ मिलता है। तो ये आप दोनों हाथों में करें इस बॉल से। एड़ी के दर्द के लिए मैग्नेटिक बेल्ट आती है, जिनको एड़ी में दर्द होती है या उनकी हड्डियों में तनाव हो जाता है, टखने में दर्द हो जाता है, तो ये बेल्ट उनके लिए उपयोगी है। और हील पेन में ये बहुत लाभ प्रदान करती है। तो ये टखने की, एड़ी की और बेल्ट आती है मैग्नेटिक, तो ये बेल्ट इस प्रकार से है। इसमें आप ये जो स्थान है तो इसमें अपना पैर इस प्रकार से रख लें और इस ये बेल्ट आगे आप इस प्रकार से बांध देंगे तो ये रुक जाएगी यहाँ पर ऐसे करके। तो ये अपना पैर जो है इसमें एड़ी को रख देंगे, तो ये बेल्ट आप बांध दें और इसको 1-2 घंटा या 3 घंटे तक आप बांधे रख सकते हैं। तो इससे एड़ी का सर्कुलेशन ठीक होने लगता है और दर्द में कमी आने लगती है एड़ी के। तो आप ये टाइट करके बांध सकते हैं जिससे कि ज़्यादा ढीली ना रहे और ज़्यादा टाइट भी ना हो, और उसके बाद आप इसको 1-2 घंटा बांधें तो आराम एड़ी के दर्द में मिलना शुरू हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में एक बार फिर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ये मैग्नेट, बार मैग्नेट का कोर्स किस प्रकार से किया जाना है, इसकी PDF भी आपको मिलेगी और वीडियो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप ये किस प्रकार से और वीडियो बार बार पढ़ सकते हैं हमारे चैनल पर जाके, तो आप ये किस प्रकार से आपको ये करना है वो पूरी जानकारी आप हमें कॉल करके भी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर पूरी जानकारी दी जा रही है, आप ये कोर्स करें और रोगी को किस प्रकार से सफलता प्राप्त होनी है उसके बारे में आप हमारी वीडियो में और क्लास में देखें। तो आज की वीडियो में इतना ही, और यदि आप एक्यूप्रेशर से संबंधित पूरा कोर्स करना चाहते हैं जिसमें आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, चाइनीज एक्यूप्रेशर, डॉक्टर वॉल, कलर थेरेपी, शीट थेरेपी, इन सब के बारे में हमारे 4 सेमेस्टर जो पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, ये 6-6 महीने के होते हैं और इनमें पुस्तकें हमारे संस्थान की तरफ से आपको भेजी जाती हैं। इसमें सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, मास्टर एडवांस डिप्लोमा प्रदान किया जाता है। तो आप ये कोर्स करके बहुत अच्छा अपने आप को अच्छा थेरेपिस्ट बना सकते हैं और अच्छा जीविकोपार्जन कर सकते हैं। तो आपको ये जानकारी सब स्क्रीन पर दी जा रही है। एडमिशन से संबंधित यदि कोई विशेष जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको यह वीडियो? क्या आपको यह वीडियो वाकई अच्छा लगा या लगता है कि यह वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है
जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, तो उनको यह हेल्प आउट कर सकता है। तो आप अपने व्हाट्सएप पर जाइए और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स और मिलने वालों के साथ शेयर करिए। शेयर करने से जीवन में भी खुशहाली आएगी और वह आपको थैंक्स बोलेगा, और इससे मेरा यह एक छोटा सा मैसेज तमाम जरूरी लोगों तक पहुंच जाएगा। कैसा लगा यह वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा या कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या आपका कोई भी सवाल है तो जरूर लिखिएगा। अच्छा लगा तो शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। नए हो तो सब्सक्राइब करिए और पुराने हैं तो लाइक शेयर और कमेंट करिए। आज की वीडियो में इतना ही, और एक बार फिर नई वीडियो के साथ फिर वापस आपके सामने आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।